इस धरती पर गोंड गोंडी और गोंडवाना की जो परिभाषा है, सबके सब लोग गोंड कहलाते हैं अपने आप में, चाहे वो कछु भी जाति के मानत रहे, लेकिन गोंड शब्द का मतलब दो शब्दों की मेल से बना हुआ है, आप सब लोग अच्छे से समझ लें। गो धन अंड बराबर गोंड, गो धन अंड बराबर गोंड, गो याने माता का कोख और अंड माने बच्चा। जो माता के कोख से निर्मित होकर के जन्म लेता है वो सभी के सभी गोंड कहलाते हैं। गोंड किसी जाति का नाम नहीं है, गोंड किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गोंड शब्द जो है राष्ट्रवाचक संज्ञा है, प्रजावाचक संज्ञा है। जैसे पंजाब में रहने वालों को पंजाबी कहा जाता है, गुजरात में रहने वालों को गुजराती कहा जाता है, महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी कहा जाता है, उड़ीसा में रहने वालों को उड़िया कहा जाता है, ऐसे ही गोंडवाना भूभाग में रहने वाले लोगों को गोंड कहा जाता है। तो गोंड जातिवाचक शब्द कोई भी कहे कि हम गोंड जाति के हैं, गोंड जाति नहीं, हम माता पिता की क्रिया प्रक्रिया से माँ के कोख से जन्म लिए हैं, इसलिए ही गोंड कहलाते हैं, गोंड जाति का नाम नहीं है। इस प्रकार से यह हम अपने मन से निकाल दें कि गोंड गोंड के पास गोंडवाना, गोंड गोंडी और गोंडवाना, गोंड शब्द के बाद फिर उसमें इस ही को आई की ही की मात्रा लगा देते हैं तो गोंडी हो जाता है। गोंडी गोंडवाना भूभाग में रहने वाले निवासियों की एक बोली भाषा को गोंडी कहा गया है, जिसे गोंडी भाषा कहती है, क्योंकि भाषा एक ऐसा शब्द है कि वो स्त्रीलिंग में आती है, इसलिए इसे गोंडी कहा गया है, गोंडी भाषा। और गोंडवाना इस भूभाग का नाम है, इस धरती का नाम है। गोंडवाना किसी पार्टी का नाम नहीं, गोंडवाना किसी समुदाय का नाम नहीं, गोंडवाना किसी संस्था का नाम नहीं, गोंडवाना किसी संघ का नाम नहीं है। गोंडवाना इस धरती को कहा गया है, इस भूभाग को कहा गया है, इस भूभाग के ऊपर से गोंडवाना, और ये हमने नहीं, ये हमारे भूविज्ञान देवताओं ने दिया है। इस प्रकार से धरती के आधे से अधिक भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं और आधे से कम भाग को अंगारा लैंड कहते हैं। तो अंगारा लैंड में आर्य लोगों का जन्म हुआ और गोंडवाना लैंड में गोंड लोगों का जन्म हुआ। समय बीते, लगभग 13 करोड़ 50 लाख वर्ष के दौरान में जब इस गोंडवाना भूभाग का भी टूटना हुआ और उधर अंगारा लैंड का भी टूटना हुआ, तो इस गोंडवाना भूभाग के 5 खंड हो गए और उधर उसके 4 खंड, ऐसे 5 और 4 9, इसी को 8 खंड 9 द्वीप कहते हैं। हमारे पुरखे लोग कहते हैं कि 8 खंड 9 द्वीप, 7 समुद्र, 16 प्रकार की जलधारा, 52 लाख वनस्पतियों का ज्ञान हमारे पूर्वजों ने अर्जित किया है, आज भी मंत्रों के रूप में और वो स्थापित है। वही 8 खंड 9 द्वीप के रूप में जब हम अपने बेटा बेटियों की शादी करते हैं तो 9 खंबे का मंडप गढ़ा करके और उनको जीवन भर के लिए एक दूसरे को हाथ थमा करके और उनको सब आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से उस मंडप के ऊपर भी जो वो आड़ी लकड़ी जो डाली जाती है वो भी सब हिसाब किताब की डाली जाती है। आज हमें जानकारी नहीं है तो हम जैसे भाई मढ़वा बना लिए थे, अलग बात हो जाए, लेकिन उन सब का विधान हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं।
जन्म के समय में जो जन्म संस्कार को संपन्न करते हैं वो प्रकृति के नियम के अनुसार, विवाह संस्कार प्रकृति के नियम अनुसार और मृत्यु संस्कार भी प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं। इसके विपरीत हम चलते हैं तो हमारा गोंडी धर्म जो है गोंडवाना के सदस्य होने के नाते, गोंडवाना के गंड जीव होने के नाते हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है ऐसा मानते हैं। और इसीलिए हम अपने धर्म को भ्रष्ट ना करते हुए और उसे नियम से हम पालन करना चाहिए हम सभी को, जिससे कि हमारा गोंडी और गोंडवाना बच्चा रहे इस प्रकार से। तो यही माता कलिकंकाली के जो 33 बच्चे थे जिन्हें लिंगो जी ने अपने गोटूल में रख करके गौड़ी धर्म की शिक्षा और दीक्षा दे करके और 12 सगाओं में बांट करके इस कोयमुरी द्वीप में प्रचार प्रसार हेतु भेजा, उसी प्रचार प्रसार को अनुसरण करके कोया वंशियों ने कोख से जन्म लेने के कारण कोया वंशी भी कहते हैं। इस प्रकार से कोया वंशियों ने गोंडवाना के गंड जीवों ने उन 33 देवताओं के बताए अनुसार प्रकृति के साथ चलना सीखा और प्रकृति के साथ चल करके छोटे छोटे गणराज्यों की स्थापना करते करते और इस गोंडवाना भूभाग पर बड़े बड़े गणराज्यों की स्थापना की गई जो आज भी इतिहास में देखा जा सकता है। उनके गढ़ी, उनके किले, उनके महल, उनकी अटारियां, उनकी मीनारें, उनके बाग बगीचा चीख चीख के कह रहे कि इस धरती पर गोंडों का राज्य था, इस धरती पर गोंडवाना का शासन था, इस धरती पर गोंडवाना भूभाग में रहने वाले कोया वंशियों की अधिसत्ता थी। वो हमारी अभिसत्ता कैसे चली गई, आज हम दर दर की ठोकरे कैसे खाने लगे, आज हम कैसे लुटने लगे, कैसे पिटने लगे, हम अपने आप को भूल जाने के कारण, हम अपने देवी देवताओं को भूलने के कारण, हम अपनी शक्तियों को भूल जाने के कारण, जिनमें कुछ कोई शक्ति नहीं है, हम उनकी पूजा करने लगे।